तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं कि इधर से जो स्क्रैच है ये लगना शुरू हुआ है, यहाँ से पूरा पीछे तक यहाँ तक गया है। तो और दूसरी चीज़ जो सबसे भयंकर और बड़ा नुकसान है, एक तो ये देखिए आप जो है पीछे के टेल लैंप्स हैं इस पर स्क्रैच है, वो भी छोड़ें तो ये जो आप देख सकते हैं कि बम्पर है इसका पूरा यहाँ से जो लॉक है निकल चुके हैं। तो पहला ट्राई तो मैं ये करूँगा कि जो बम्पर है इसके लॉक को मैं लगवाने की कोशिश करूँगा, अगर ये लग जाता है तो उसके बाद जो सेकेंडरी चीज़ है बड़ा नुकसान है वो ये कि साइड में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है अंदर चले जा चुका है। एनीवेज इससे आप एक चीज़ और हो सकती है कि इस पर गर्म पानी डाल के हम इसको निकाल सकते हैं बाहर, तो वो सेकेंडरी चीज़ है नहीं, माइनर कुछ स्क्रैचेस हैं। तो बस मेन है कि अगर ये जो साइड के यहाँ पे जो लॉक है बम्पर का ये लग जाता है यानी कि अंदर घुस जाता है तो उसके बाद सारा एकदम ठीक हो जाएगा, काम एक क्लास हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी तो यही है कि मैं पहले दिखाऊंगा, और उसके बाद कुछ ऐसे खास डैमेज नहीं हुआ पीछे से, बस इतना ही हुआ है कि साइड में आप यहाँ से। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज गाइस संडे है और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो गाइस बात ऐसी है कि मैं अभी सुबह सुबह उठा था और उठते ही मैंने देखा जो मेरी गाड़ी है, बेसिकली मैं अपने दोस्त के घर पर आया हुआ था क्योंकि सैटरडे वहीं पे शूट कर रहे थे हम लोग, और लेट होते होते वो बोला कि भाई मेरे घर पे रुक जाओ, तो उसके घर पे मैं रुका हुआ था। सुबह उठा मैं और देखा कि पीछे से गाड़ी है वो किसी ने पूरी ठोक रखी है, अच्छी तरह से डैमेज कर रखी है। तो अब खुद के घर की पार्किंग होती तो वहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं था, नीचे वहाँ पे लग जाती आराम से, बट मैं बाहर आया था यहाँ पे तो यहाँ पे कोई मार के चले गया, किसी ने जान करके मारी, किसी की पार्किंग में खड़ी करी थी, मुझे नहीं पता कि क्या कुछ इशू है, बट मे भी हो सकता है कि कोई गाड़ी जा रही हो उसने जाते जाते मार दिया हो या फिर जो भी है, कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। एनीवेज गाइस मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि गाड़ी कितनी डैमेज है, कैसी डैमेज है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कभी मैं इसको रिपेयर कराऊंगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आपको पूरा पता चल जाएगा कि गाड़ी में कितना कुछ रिपेयरिंग की कॉस्ट आई, क्या कुछ खर्चा आया है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पर दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोज डाली हैं। तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं कि इधर से जो स्क्रैच है ये लगना शुरू हुआ है, यहाँ से पूरा पीछे तक यहाँ तक गया है। तो और दूसरी चीज़ जो सबसे भयंकर और बड़ा नुकसान है, एक तो ये देखिए आप जो है पीछे के टेल लैंप्स हैं इस पर स्क्रैच है, वो भी छोड़ें तो ये जो आप देख सकते हैं कि बम्पर है इसका पूरा यहाँ से जो लॉक है निकल चुके हैं। तो पहला ट्राई तो मैं ये करूँगा कि जो बम्पर है इसके लॉक को मैं लगवाने की कोशिश करूँगा, अगर ये लग जाता है तो उसके बाद जो सेकेंडरी चीज़ है बड़ा नुकसान है वो ये कि साइड में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है अंदर चले जा चुका है। एनीवेज इससे आप एक चीज़ और हो सकती है कि इस पर गर्म पानी डाल के हम इसको निकाल सकते हैं बाहर, तो वो सेकेंडरी चीज़ है नहीं, माइनर कुछ स्क्रैचेस हैं। तो बस मेन है कि अगर ये जो साइड के यहाँ पे जो लॉक है बम्पर का ये लग जाता है यानी कि अंदर घुस जाता है तो उसके बाद सारा एकदम ठीक हो जाएगा, काम एक क्लास हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी तो यही है कि मैं पहले दिखाऊंगा, और उसके बाद कुछ ऐसे खास डैमेज नहीं हुआ पीछे से, बस इतना ही हुआ है कि साइड में आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो बम्पर है ये जा चुका है अंदर, और ये कुछ माइनर स्क्रैचेज हैं, ये भी अगर चले जाएंगे तो मैं देखूँगा रबिंग से अगर जा सकते हैं तो। और फिर साथ ही साथ दूसरी चीज़ है कि जो बम्पर का एक मिनट, सो ये बम्पर के लॉक हैं ये मेन टूटा हुआ है यहाँ से, और स्क्रैच लगे हुए हैं गाड़ी में थोड़े से, इधर भी देख सकते हैं स्क्रैचेस हैं यहाँ पे थोड़े से, और ये स्क्रैच है थोड़ा इतने। तो बेसिकली मारुति गाड़ी में एक दिक्कत मैंने हमेशा से देखी है कि ये जो इनका ये लॉक होता है, जो बम्पर लॉक होता है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो बहुत ढीला होता है और ये टूट जाता है जल्दी, तो ये अगर छोटा सा झटका भी लगा होता तो उससे भी ये टूट जाता, बट स्टिल यहाँ पे ये किसी गाड़ी की वजह से हुआ है, क्या हुआ अभी कुछ नहीं बोल सकता मैं। बट ये जो दूसरी चीज़ है इसका एक सलूशन है मेरे पास कि इस पर आप गर्म पानी डालो एंड देन उसके बाद आप यहाँ से अंदर से अगर इसमें हाथ मारोगे ऐसे करके तो ये जो चीज़ है इसकी ये ठीक हो जाएगी एकदम। तो मैं एक बार यहाँ पर अभी ट्राई करता हूँ, अगर मान लो आ जाए तो ये बाहर, तो देख सकते हैं अभी तो आ ही चुका है बाहर, तो थोड़ा और प्रेशर मारने पर ये पूरा बाहर आ चुका है। तो गाइस ये तो देखो मैंने आपके सामने ही सॉल्व कर दिया कि ये हो चुका है, बस अभी ये बम्पर का जो लॉक है अगर ये भी लग जाए तो उसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे हाथ दे के और इसको खींच के करना पड़ेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि इनमें जो ये है लॉक फंसाना होगा और उसके बाद ये भी ठीक हो जाएगा। देन ये जो माइनर स्क्रैचेज हैं ये ठीक हो जाएंगे, तो बेसिकली बाहर जाके देखूंगा मैं, अगर ये इसका जो बम्पर लॉक है ये लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज यहाँ पे जो था वो मैंने आप लोगों के सामने निकाल दिया, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं, और यहाँ से ये उखड़ा है पूरा। तो मेन जो डैमेज बचा है वो सिर्फ आप देख सकते हैं इसका डैमेज बचा हुआ है सिर्फ, और तो सारा हो चुका है। सो मेन इसका डैमेज है, और यहाँ पे कुछ माइनर स्क्रैचेज हैं, वैसे तो रबिंग कंपाउंड से भी ठीक हो जाएंगे, बट अभी एक बार मैं लोकल शॉप पे लेके जाऊँगा तो अगर उसने ये कर दिया तो गाड़ी एकदम एक क्लास है, फिर कोई इशू नहीं है गाड़ी में हाल फिलहाल तो। और पीछे तक थोड़े स्क्रैचेस हैं और कुछ खास चीज़ नहीं है। सो गाइस इतना ही था गाड़ी में कि आप देख सकते हैं कि बम्पर में नुकसान हुआ और यहाँ से थोड़े स्क्रैचेस लगे हैं, तो वो पूरी गाड़ी में एक बार मैं रबिंग कंपाउंड से और उसके बाद थोड़ा पॉलिश वॉलिश मरवा के ट्राई करूँगा। यहाँ पे भी थोड़ा स्क्रैच है आप देख सकते हैं ऊपर, ये
तो बेसिकली कोई गाड़ी जा रही थी एंड उसका जो मिरर है वो लगा होगा और नीचे यहाँ पे वो गाड़ी साइड में टच हुई होगी। तो ये हैं कुछ माइनर बोल लीजिए, मेजर बोल लीजिए, बट ये अगर चीज़ नहीं हुई तो पूरा नया बम्पर आएगा। अगर ये चीज़ हो जाती है सही तो ऐसा कोई भी इशू नहीं। और जो सामने पहले आपने देखा वो तो मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व कर ही दिया है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे फिर ये थोड़े स्क्रैचेस हैं, ये रबिंग कंपाउंड और पॉलिश से साफ करने पड़ेंगे। एनीवेज गाइस, इतना ही था और हाल फिलहाल कुछ इतना बड़ा इसमें है नहीं माइनर यहाँ पे, और सारा एकदम सही है, ना कि साइड की बॉडी दबी है। तो ये जो चीज़ है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ठीक हुई, क्या कुछ ठीक हुई। अगर मैं खुद कर पाया तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, सो देट आपको पता लग जाए कि आप घर पे ही कैसे जो आपकी गाड़ी है उसका अगर ये बम्पर लॉक निकल जाए उसको ठीक करें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। तो गाइस मैं खुद ट्राई कर रहा था, खुद ट्राई करने के बाद ही काफ़ी हद तक अंदर जा चुका है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा ये भार है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा भार है। तो ये भी अगर थोड़ा मारूंगा तो ठीक हो जाएगा। एनीवेज एक भार शॉप में जाके मैं इसको अच्छे से करा लूँगा, बिकॉज उतने अच्छे से मैं नहीं कर पाऊंगा जितने अच्छे से वो लोग भार कर देंगे। अब जो सिर्फ रह चुकी है गाड़ी में वो ये रह चुका है कि आप साइड में देख सकते हैं ये स्क्रैचेस हैं, ये रह चुके हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्क्रैचेस हैं, ये रह चुके हैं, और सब कुछ एकदम काम आपके भाई ने खुद ने कर दिया, पूरी गाड़ी एकदम सही हो चुकी है। तो ये स्क्रैचेस इनका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। और दूसरी चीज़ है ये जो चीज़ भार है इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये अंदर कैसे जाएगी, बिकॉज वो लोग अच्छे से कर पाएंगे। मैंने थोड़ा सा इस पर प्रेशर लगाया और ये लॉक अंदर जा चुके हैं, तो ठीक है अब खुद रिपेयर हो चुका है तो बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अभी गाड़ी पूरी वॉश कराऊंगा मैं, वॉश कराने के बाद देखता हूँ क्या कुछ स्क्रैचेस हैं। अगर वो रबिंग कंपाउंड से चले गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो थोड़ी बफिंग और रबिंग करवा के उसे भी एकदम सही काम करवा लूँगा। तो गाइस ये तो मैंने खुद ने रिपेयर कर लिया, नीचे आपने पहले देखा होगा कि यहाँ पे जो चीज़ थी वो मैंने अंदर से हाथ मार के कर लिया था। वैसे वो गर्म पानी मार के कर सकते थे बट स्टिल मैंने कर लिया। उसके बाद ये जो साइड के जो लॉक टूटे हुए थे आपके सामने की बात है, और ये भी मैंने खुद ही कर लिए हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। सो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा मैंने आपको पूरा गाड़ी का दिखाया है कि क्या कुछ था सीन, पीछे से कितना डैमेज हो रखा है गाड़ी में, तो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। लॉक टूटा हुआ है, गाड़ी का जो बम्पर है वो अंदर हुआ हुआ है, और पेंट भी उखड़ा हुआ है गाड़ी का। सो बेसिकली कभी भी आप अगर पार्किंग करो तो मेक श्योर आप सेफ जगह पर पार्क करो, या फिर कहीं पर आस पास मॉल हो उसकी पार्किंग में पार्क कर सकते हो जहाँ पर आपकी गाड़ी सिक्योर सेफ हो। और इनकेस अगर ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही तो मेक श्योर आप अपनी गाड़ी का आगे जो विंडशील्ड है उसमें अपना नंबर लिख के रख दो, ताकि अगर किसी को दिक्कत हो या हटवाना चाहता हो तो आपको कॉल करके हटवा दे। मैंने भी रख रखा था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि किसी ने शायद गाड़ी ने आते जाते ने मारा होगा। एनीवेज कुछ नहीं बोल सकते। सो गाइस बात करी जाए कि क्या कुछ पार्किंग सॉरी इसकी अपने रिपेयरिंग की कॉस्ट आएगी, तो वो जो वीडियो आपको बाद में मिलेगी पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कॉस्ट रही है, बिकॉज अभी तो रिपेयर नहीं करवा रहा हूँ मैं, बाद में रिपेयर कराऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कितना कुछ है, इंश्योरेंस में कराता हूँ या नहीं कराता हूँ, वो सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा। एनीवेज गाइस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आई, तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स, बाय बाय।